नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। राजस्थान के जैसलमेर में कुछ बदमाशों ने एक युवती को अगवा किया और फिर फिल्मी अंदाज में आग जलाकर लड़की को गोद में उठाकर साथ फिरे लिए। घटना का वीडियो सामने आया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है, साथ ही राजनीतिक दलों में भी इसको लेकर राजस्थान के गहलोत सरकार पर निशाना साधा गया है। इधर आरोपियों को पकड़े जाने को लेकर युवती के परिजनों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल 30 वर्षीय युवती को फॉर्च्यूनर में आए कुछ बदमाशों ने उनके घर से बाहर अपहरण कर लिया और परिवार को लड़की की शादी दूसरी जगह नहीं करवाने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में लड़की को छुड़ा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की के परिजनों का कहना है कि आरोपी लड़के के साथ देने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, जिसकी वजह से उनके परिवार को खतरा है। पुलिस के मुताबिक लड़की की आरोपी के साथ सगाई हुई थी, लेकिन परिवार ने बाद में सगाई तोड़ दी, जिसकी वजह से लड़का नाराज था और लड़की को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को वायरल कर दिया। फाइल मंगा ले और आपको न्याय दिलाता तो पता पड़ेगा, हम खुद को, मैं तो गरीब आदमी, कोई पता को नहीं। परेशान तो करिया जन भी वो ले गया जबरदस्ती, हर नुकसान हुआ है, क्या करना। उठा करके ले गए थे, तो जैसे हमें सूचना मिली हमने पुलिस टीमों का गठन किया और कंट्रोल को बता करके पूरे जिले में सघन नाकाबंदी कराई और रामगढ़ पुलिस और मोहनगढ़ पुलिस के अथक प्रयासों से हमने लड़की को और जो आरोपी थे उसमें से एक आरोपी को और लड़की दोनों को दस्तयाब कर लिया है। दस्तयाब करने के पश्चात मोहनगढ़ थाने लेकर आए हैं और अब लड़की का स्टेटमेंट लिया जाएगा और स्टेटमेंट के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।